नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत पाठशाला में। प्यारे बच्चों, हम पीरियोडिक वन का पाठ्यक्रम लगभग समाप्त कर चुके। अंत में बचा है हमारे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अपठित गद्यांश, जिसको हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें पैराग्राफ को कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ना होता है। जब हम 3 बार या 2 बार पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि किस विषय पर यह पैराग्राफ दिया गया है और इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो बच्चों, आज हम अनसीन पैसेज में से या अपठित गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटना सीखेंगे। आज जो मैं आपको करवा रही हूँ अपठित गद्यांश, इनमें साथ में उत्तर भी दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि किस तरह से उत्तर छांटने हैं। आपके प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश आता है तो आप प्रश्नों के उत्तर कैसे छांट कर लिखेंगे, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाला लाजपत राय है स्वतंत्रता संग्रामे महत् कार्यम अकरोत्। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता की लड़ाई में या आज़ादी की लड़ाई में महतम कार्यम अकरोत्, बहुत काम किया। स निर्भीक नेता आसीत, वे नीडर नेता थे। स अनेक वारम कारागारम अगच्छत। स वे अनेक वारम अनेक बार कारागारम जेल में अगच्छत गई। वे अनेक बार जेल में गई। आंग्ल शासक कहा, अंग्रेजी जो शासक थे, अंग्रेजी जो अधिकारी थे, तस्मै बहूनि दुखानि अयच्छन्, उनको बहूनि बहुत से दुखानि दुख अयच्छन दिए। जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज शासक थे, उन्होंने उसे बहुत से दुख दिए। परम सवीर है, परंतु वह वीर स्वनिश्चयात, अपने निश्चय से न व्यचलत, विचलित नहीं हुए। परंतु वे जो वीर थे, कौन? लाला लाजपत राय, अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए या नहीं हटे। सधैर्येण देशस्य सेवा कार्यम अकरोत्, उन्होंने धैर्य से देश की सेवा का कार्य किया। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने स्वभाषणई, अपने भाषणों के द्वारा, पुस्तकई, पुस्तकों के द्वारा, समाचार पत्रई च, और समाचार पत्रों के द्वारा स्वतंत्रताया आंदोलन से प्रचारम अकरोत्, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार किया। स्वतंत्रता कार्याय स अमेरिका देशम अपि अगच्छत्, स्वतंत्रता काम के लिए या आज़ादी के कार्य के लिए वे अमेरिका देश में भी गए। अब हमने पैराग्राफ में पढ़ा किसके बारे में? लाला लाजपत राय के बारे में, कि वो कैसे थे, वे कहाँ पर गए और उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को कैसे या स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे किया। तो चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में क महत् कार्यम अकरोत्, स्वतंत्रता संग्राम में किसने बहुत काम किया? किसने किया था? लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय ने। स कीदृश नेता आसीत, वे कैसे नेता थे, कैसे थे वो? स निर्भीक नेता आसीत, वे निर्भीक यानी कि नीडर नेता थे। आंग्ल शासक कहा, इति पदे का विभक्ति, आंग्ल शासक कहा, इस पद में कौन सी विभक्ति है? आंग्ल शासक कहा, इति पदे प्रथमा विभक्ति। हमने बालक शब्द रूप याद किया था, बालक है, बालकौ, बालकः, ऐसे ही आंग्ल शासक है, आंग्ल शासकौ, आंग्ल शासकः, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ये। स कथम देशस्य सेवा कार्यम अकरोत्, उन्होंने कैसे देश का, देश के लिए सेवा कार्य किया? कैसे किया था?
धैर्येण धैर्य से, स धैर्येण देशस्य सेवा कार्यम अकरोत्। उसके बाद स्वतंत्रता कार्याय स कम देशम अगच्छत्। स्वतंत्रता कार्य के लिए वे किस देश में गए थे? कहाँ गए थे? अमेरिका देशम। स्वतंत्रता कार्याय स अमेरिका देशम अगच्छत्। ये पैराग्राफ पढ़ा, प्रश्नों के उत्तर हमने आसानी से दे दिए, तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। अथ स विद्वान चोरह मनसी अचिंत्यत। अथ इसके बाद स विद्वान चोर है, उस विद्वान चोर ने मनसी अचिंत्यत मन में सोचा। इदानीम आवयो उभयो मरणम अपि तु निश्चितम एव। अब हम दोनों की मृत्यु तो निश्चित ही है, अतः अहम एव पूर्वम आत्मानम अर्पयामि, इसलिए मैं ही सबसे पहले अपने आप को समर्पित करता हूँ। माम हत्वा मुझे मारकर मम शरीरे धनम अप्राप्य कदाचित एतेदस्य वह विप्रम इमं त्यजेयुः। माम अर्पयामि, माम हत्वा मुझे मारकर मम शरीरे मेरे शरीर में धनम अप्राप्य धन न प्राप्त करके कदाचित कभी एते दस्य वै ये राक्षस विप्रम इमं इस ब्राह्मण को त्यजेयु छोड़ देंगे। एवं निश्चित्य ऐसा निश्चय करके स पठितस चोर अकथयस उस चोर ने कहा, युष्माकं काकः मिथ्या वदति तुम्हारा कौआ झूठ बोलता है। मम कथने विश्वास न चेत यदि मेरे कथन पर या मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तदा पूर्वम मम एव अंगानि छित्वा पश्यत तो सबसे पहले मेरे ही अंगों को काट कर देख लो। दोबारा पढ़ेंगे पैराग्राफ को। अथ इसके बाद स विद्वान चोर है मन से अचिंत्यत उस बुद्धिमान चोर ने मन में सोचा, इदानीम आवयो उभयो अपि मरणम तु निश्चितम एव। इस समय या अब हम दोनों का की मृत्यु तो निश्चित ही है, अतः अहम एव इसलिए मैं ही पूर्वम आत्मानम अर्पयामि पहले अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। माम हत्वा मुझे मारकर मम शरीरे मेरे शरीर में धनम अप्राप्य धन न प्राप्त करके कदाचित एते दस्य वह ये दस्य दस्य दस्यु होता शत्रु या फिर राक्षस राक्षस विप्रम ए इमं त्यजेयु इस ब्राह्मण को छोड़ देंगे। एवं निश्चित है ऐसा निश्चय करके स पठितस चोर अकथयत उस चोर ने कहा, युष्माकं काकः मिथ्या वदति तुम्हारा कौआ झूठ बोलता है। मम कथने विश्वास नोचेत यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तदा पूर्वम तो पहले मम एव अंगानि छित्वा पश्यत मेरे ही अंगों को काट कर देख लें। प्रश्नों के उत्तर चलो देखते हैं। विद्वान चोर है मनसी किम अचिंत्यत, उस ज्ञानी चोर ने या जो बुद्धिमान चोर था उसने मन में क्या सोचा, क्या सोचा था? आवयोः मरणम तु निश्चितम, यही सोचा था ना कि हम दोनों की मृत्यु तो निश्चित है। पूर्वम किम अर्पयामि, सबसे पहले मैं क्या अर्पित करता हूँ, क्या अर्पित करने की सोची थी उसने? अपने आप को। तो पूर्वम आत्मानम अर्पयामि। मनसी इति पदे का विभक्ति, मनसी पद में कौन सी विभक्ति है? मनसी होता है मन में और पर किस विभक्ति में आते हैं? सप्तमी में। तो मनसी इति पदे सप्तमी विभक्ति। पठित चोर है किम अकथयत, उस पठित चोर ने या पढ़े गए चोर ने क्या कहा? युष्माकं काकः मिथ्या वदति तुम्हारा कौआ झूठ बोलता है, यही बोला था। पूर्वं कस्य अंगानि छित्वा पश्यत, पहले किसके अंगों को काट कर देख लो, किसके अंगों को काटने के लिए कहा था उसने? अपने ही। तो क्या था? पूर्वं मम एव अंगानि छित्वा पश्यत, सबसे पहले मेरे ही अंगों को काट कर देख लो। तो बच्चों आपने दो पैराग्राफ पढ़े और दोनों के उत्तर आपने ध्यान से
देख लिए कि कैसे ये छांटनी है। तो अब आपको क्या करना है, आपने अभी तक जो पाठ नहीं पढ़े हैं आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ दिए गए हैं और जो आपने नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब आपके लिए वो अनसीन ही हैं, अपठित ही हैं। आप वहाँ से कोई भी पैराग्राफ लेकर उसमें से प्रश्नों के उत्तर छांटने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी कार्य कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।